एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हुई ये रेड आइज पार्टी मेकअप लुक्स। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में दिए हुए बेल आइकन पर भी हिट कर लेना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो आप सबसे पहले नोटिफाई। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ गुड बाइस रोजमेरी फेस मिस्ट, और इसे मैं पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रे कर लूँगी और अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे गुड बाइस आर्गन फेशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ एज ए मॉइस्चराइजर। आप लोग कोई भी क्रीम, नहीं तो एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे NYB की प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, और जहाँ पर मेरी ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है वहाँ पर हल्का हल्का अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से पूरे फेस पे ब्लेंड कर लूँगी। प्राइमर हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमारे जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे और हमारे फेस को भी स्मूथ बनाती है। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे लेक्मी सीसी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, और इसे मैं फिंगर की हेल्प से पूरे फेस पे और नेक पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी और इसे अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी। यहाँ पर मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहे तो आप एक ब्रश भी यूज़ कर सकते हो। आप कोई भी सीसी क्रीम या फाउंडेशन अगर आप यूज़ करते हो तो उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपकी जो मेकअप है वो लुक अच्छा नहीं लगेगा दिखने में भी। सारे प्रोडक्ट को अच्छे से सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लेक्मी एब्सोल्यूट कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और इसे मैं डैप डैप करके पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी और सारे प्रोडक्ट को अच्छे से सेट भी कर लूँगी। और अपने आई मेकअप को स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिसोस आई शेडो पैलेट में से ये गोल्डन शेड पिक कर रही हूँ, और इसे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से पूरे आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी एज ए ट्रांजिशन शेड। नेक्स्ट मैं ये सेम आई शेडो पैलेट में से ये रेड शेड पिक करके अपनी फिंगर की हेल्प से इसे हाफ आईलेट तक इसे अप्लाई कर लूँगी। और एक क्लीन ब्रश की हेल्प से मैं दोनों शेड को अच्छे से मिला लूँगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना रहे। और सेम शेप पिक करके मैं यहाँ पे एक स्मॉल एप्लीकेटर की हेल्प से अपनी वाटर लाइन के नीचे नीचे भी हल्का हल्का स्मास कर लूँगी ताकि जो मेरा आई लुक है वो और भी सुंदर दिखे। आईलाइनर के लिए मैं यहाँ पे लिया है लेक्मी आईलाइनर, और इसकी हेल्प से मैं एक बहुत ही थिक आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। और यहाँ पर मैंने जितने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किया है उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप लोग चेक कर सकते हो।
अपनी आईलेश को कर्ल करने के लिए मैं यहाँ पे बेगा आईलेश कर्लर यूज़ कर रही हूँ, और ताकि मेरा जो मस्कारा है वो अच्छे से मेरे लेश पे लग जाए। मस्कारा के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एडीएस वॉल्यूम एक्सप्रेस मस्कारा, और ये बहुत ही अच्छा मस्कारा है गाइस, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करना। काजल के लिए मैं यहाँ पे मेवलिन का काजल यूज़ कर रही हूँ, और इस काजल को मैंने कई बार यूज़ किया है और ये मेरा फेवरेट काजल भी है। अपने आईब्रोज को हल्का हल्का फिल करने के लिए मैं यहाँ पे लेकमी आईब्रो पेंसिल यूज़ कर रही हूँ, जिसका शेड है ब्राउन। कंटूरिंग के लिए मैं यहाँ पे SFR आई शेडो पैलेट में से ये डार्क ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे कंटूरिंग करना है वहाँ पर मैं अप्लाई कर लूँगी और अच्छे से एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड भी कर लूँगी। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे ग्लैम गर्ल्स का ब्लश यूज़ कर रही हूँ, और इसे मैं हल्का हल्का अप्लाई कर लूँगी। और ये जो पार्ट है आई थिंक ये सबकी फेवरेट पार्ट है, ये मेरे भी फेवरेट पार्ट है, हाईलाइट करना। तो मुझे हाईलाइट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो इसे मैं अपनी फेस के हाई पॉइंट्स पे इसे एक स्मॉल ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पर मैं मिस्रोस हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है। लिपस्टिक के लिए मैं यहाँ पे लेकमी एब्सोल्यूट का ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से सेट करने के लिए और मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे कलर बार सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत ही अच्छा सेटिंग स्प्रे है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर 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 वीडियोस। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।